यस भी नेक्स्ट टॉपिक है लिनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मिरर में किया हुआ है टॉपिक। यस सर ना, क्या था भाई मिरर में? व्हाट इज मैग्निफिकेशन, क्या बोलते थे? इट इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी। तो लिख लीजिए, सिंपल है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज लिख सकते हो, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी एम से ही लिखते हैं, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, हमने सिंबलिक फॉर्म क्या लिया था उसके लिए, एच टू बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके लिए था एच वन भी, यही था एच टू बाई एच वन। अब हर एक के लिए टॉपिक करेंगे अभी हम लोग। हमने पहले मिरर फार्मूला किया था कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, इसके दो केस बने थे, रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का भी। रियल इमेज का केस के अंदर आप डायग्राम चेक कीजिए, उसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है अभी, उसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, उसका फर्स्ट इक्वेशन ये था ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ बी डैश। अगर ढंग से आप डायग्राम को चेक करो, उसको डायग्राम देखिए आपकी कॉपीज के अंदर अभी, ए बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, इट इज द हाइट ऑफ इमेज, उल्टा चाहिए मेरे को भी, तो उल्टा कर दें इस इक्वेशन को, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन भी, एम हाइट ऑफ इमेज हो गया, ए बी ए डैश बी डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, सही है कि नहीं है? डायग्राम चेक कीजिए, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश प्लस की माइनस भी, डायग्राम के बाई कन्वेंशन यूज करते हुए भी एम का वैल्यू भी, अगर रियल इमेज बन रही तो उल्टी बनेगी नीचे की तरफ भी। यस और नो? तो माइनस एच टू, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्लस एच वन इज इक्वल टू, अगर आप ओ बी डैश को चेक करो, ओ बी डैश लेंस किस तरह बन रहा था अभी, यस और नो? तो इट इज माइनस प्लस वी और माइनस यू वी, सही है? यस और नो? दोनों तरफ माइनस है, काट दें तो एम का वैल्यू कितना आया, एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू, मिरर के अंदर माइनस साइन आया था अभी, याद है कि नहीं है? इट इज माइनस वी बाई यू इन मिरर वी, एम के आगे कैसे, यहाँ से माइनस है, यहाँ से माइनस है, काटो माइनस को, कर लोगे? नहीं समझ में आया? पहला पॉइंट हो गया भाई फोर रियल इमेज, यस भी, सेकेंड पॉइंट है फोर वर्चुअल इमेज भी, ये कॉन्वेक्स का ही कर रहे हैं, फोर वर्चुअल इमेज, उसका भी इक्वेशन फर्स्ट क्या था अभी, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ बी डैश, उल्टा कीजिए इक्वेशंस को, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी, अगर वर्चुअल इमेज के लिए कर रहे हैं, इट इज मैग्निफिकेशन भी, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी, डायग्राम चेक करो भाई, ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना, प्लस एच टू बाई प्लस एच वन भी, वर्चुअल इमेज ऊपर बनेगी भी प्रिंसिपल एक्सिस के भी, सीधी कर लोगे, इज इक्वल टू ओ बी डैश, इस तरह भी बन रहा था अभी, माइनस वी बाई माइनस यू, काट दें, सेम आंसर आएगा भी, सही है कि नहीं है? कर पाओगे? एच टू, एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू, हो गया? थर्ड केस हमने किया था फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, इसका भी फर्स्ट इक्वेशन चेक कर सकते हैं, सेम इक्वेशन बनने वाला है इसका भी, ओके इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, सॉरी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी, कॉनकेव के केस के अंदर चेक कीजिए, ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा ये, प्लस एच टू, यस और नो, प्लस एच वन, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, देख लो इस तरह बन रहा है, ऊपर है ना, ऊपर बन रहा है भाई, प्लस का, यस और नो, तो कहीं बनाई ऊपर बनने वाली सारी चीज़ें क्या होंगी, प्लस की, नीचे वाली क्या होंगी, माइनस की भी, डिस्टेंस मापोगे तो ओ से इस तरफ वाली
नेगेटिव उस तरफ वाली, पॉजिटिव ये लेके चलते हैं हम लोग। ओबी डैश माइनस वी बाई माइनस यू काट दो सेम आंसर्स पे। ठीक है तो फार्मूला क्या बन रहा है मैग्नीफिकेशन का, एम इज इक्वल टू एस टू बाई एच वन इज इक्वल टू वी बाई यू, माइनस साइन नहीं है वहाँ पे, मिरर में माइनस आता है अभी यहाँ पे, हो जाएगा यस सर नो। अगर आपको बोल लिया जाए कि अगर मैग्नीफिकेशन वन है तो क्या बताओगे इसको आप, कौन सा लेंस यूज किया जा रहा है अभी? अगर मैग्नीफिकेशन वन है तो कौन सा लेंस और किस कंडीशन के लिए यूज किया जा रहा है अभी? वन पॉसिबल कब है? जब एच टू और एच वन बराबर होंगे, यस सर नो। कहाँ पे होता है? सिर्फ कॉन्वेक्स में हो सकता है केस, ये कॉन्वेक्स में पॉसिबल नहीं है, यस सर नो। तो कॉन्वेक्स होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा? टू एफ वन पे। इमेज भी कहाँ बनेगी? टू एफ टू पे, यस सर नो। सेम साइज की एच टू बाई एच वन। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस का है इसका मतलब क्या है अभी, कौन सा लेंस यूज किया जा रहा है? अगर मैग्नीफिकेशन प्लस का है कौन सा लेंस यूज किया जा रहा है? कॉन्वेक्स। कौन क्यों नहीं हो सकता भाई? कौन क्यों नहीं हो सकता अभी? एम का प्लस का साइन अभी, ओके प्लस का पॉसिबल है, दोनों माइनस क्यों या दोनों प्लस क्यों? यस सर नो, दोनों माइनस तो होते नहीं है। कॉनकेव के केस में प्लस किए दोनों, एच टू भी ऊपर एच वन भी ऊपर, कॉन्वेक्स में भी सेम केस हो रहा है, कॉन्वेक्स में भी हो रहा है सेम केस, और एफ के बीच में रखने से एम प्लस है दोनों के लिए हो सकता है, कॉनकेव के लिए भी कॉन्वेक्स के लिए। एम प्लस और मोर देन वन, अभी एम प्लस का है बट इट इज मोर देन वन। अगर आप कॉनकेव यूज करोगे तो हाइट एच टू, एच टू लेस देन एच वन आएगा अभी, छोटा बनता है इमेज में, एच टू इज लेस देन एच वन तो आंसर लेस देन वन आएगा, यस और नो। अगर पॉजिटिव है मोर देन वन है तो एक ही केस बनता भाई, ओ आर एफ के बीच में रखें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी, यस और नो। और एम नेगेटिव हो तो पॉसिबिलिटी है इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, रियल इमेज में हो सकता है, यस और नो। रियल इमेज से उल्टी बनेगी, एक चीज नेगेटिव रहेगी उसकी। अगर एम नेगेटिव है तो कौन सा लेंस हो सकता है? कॉन्वेक्स ही हो सकता है अभी, ये एम सी क्यू उसके पॉइंट है भाई, कर पाओगे? यस सर नो। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? देखिए दो तरह के लेंसेज हमारे पास, एक कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है, एक डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है अभी। किसी लेंस की वो एबिलिटी जो उसको बीम्स को कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, कितना करेगी। ठीक है, दो ही है ना, एक कन्वर्जिंग है, क्या है डाइवर्जिंग है, कितना कन्वर्ज करेगा कितना डाइवर्ज करेगा वही क्या उसकी पावर है, हो जाएगा। देख लीजिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रिफ्रैक्टेड बीम्स, कन्वर्ज और डाइवर्ज द रिफ्रैक्टेड बीम। अब इससे एक फार्मूला बनाना होगा आपको पावर का, रिलेशन के साथ किसी के साथ भी। अगर कोई लेंस बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, मतलब क्या इस बात का? नहीं वो तो बाद में बताएंगे फार्मूला के हिसाब से। अगर कोई तीन पॉइंट हम जानते हैं यू वी और एफ को भी, या म्यू को भी जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंसेज को, इनके इनमें क्या चेंज होंगे अभी? अगर लेंस बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज कर रहा है अभी, उसकी फोकल लेंथ कम होगी कि ज़्यादा होगी अभी? देख लो भाई, एक लेंस ये है, कौन सा है, बीम्स को बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, एक तो यहाँ पे कर रहा है आके, एक लेंस यहाँ पे कर रहा है, एक लेंस और नज़दीक कर रहा है, जो जितना स्ट्रांगली कन्वर्ज करेगा उतना ही फोकल लेंथ नज़दीक आ जाएगा इसके भी, फोकस पॉइंट क्या जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पक्की बात है पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, सही है कि नहीं है? लिखे इस पॉइंट को, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/f लिखते हैं इसको, 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और इसकी यूनिट क्या होती है भी पावर की, डायप्टर होते हैं भी, एसआई यूनिट होती है डायप्टर, एसआई यूनिट ऑफ लेंस इज डायप्टर, इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है, ठीक है। वन डायप्टर को डिफाइन कर सकते हो अभी, वन डायप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ कितना होगा, 1 मीटर, कितना होगा 1 मीटर। यहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चंस में भी, जितने भी हमने लेंस के वो करेंगे ना क्वेश्चंस करेंगे, लेंस के मिरर के खासियत है सभी सेंटीमीटर में होंगे, हमने ऑब्जर्व नहीं किया होगा सर इस पॉइंट को भी, यू भी सेंटीमीटर में, वी भी सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर, अकेला ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है इसका, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कन्वर्ट करना भूल जाते हैं इन चीज़ों को भी, फोकल लेंथ इसमें किसमें दी जाएगी, मीटर में दी जाएगी आपको, या ध्यान ही रहेगा ये बात आपको उस पॉइंट पे आके, ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो तो मीटर में होगा, जितने भी डिस्टेंस हैं, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, जब हम छोटे साइज़ के हैं अभी, तो सेंटीमीटर में काउंट कर रहे हैं सारी चीज़ों को हम लोग, अब सारे सेंटीमीटर में तो आंसर भी चेंज करने की जरूरत नहीं आपको, सारे सेंटीमीटर रखिएगा। ऐसा तो हो सकता है कि अगर एक मीटर में एक सेंटीमीटर में तो बदल लो भाई, किसी में कसन कर लीजिए, यूनिट क्या होगी, डायप्टर लिख लीजिए, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस विच हैव 1 मीटर फोकल लेंथ भी, विच हैव 1 मीटर फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो 1 मीटर की, किसी अच्छी बुक में लिखा होता है 100/f लिख देते हैं इसको, और सेंटीमीटर में पहले क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बच्चा गलती ना करे, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मीटर को सेंटीमीटर बदल लीजिएगा, यस और नो, इतना 100/f लिखा जाता है, और भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हम तो मोस्टली ये लेके चलेंगे, ऐसा ही में चलेंगे इसके लिए, हो जाएगा भी। और एक चीज़ हमने ड्राइव भी किया, 1/f का फार्मूला ड्राइव किया हम लोगों ने, 1/f इज इक्वल टू, अगर याद हो आपको, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, अगर ये याद है ना, ये लेंस मेकर फार्मूला था अभी, एक्चुअली द पावर ऑफ द लेंस भी, हमने पावर को ड्राइव किया था वहाँ पर, ठीक है। जो लेंस मेकर फार्मूला है वो आपकी पावर के हिसाब से होता है अभी। अब डॉक्टर क्या बोलता है, आपकी आंखें कमज़ोर है, आपको 0.25 या लिखा होता ना, अपने आँख चेक करवाई होंगे, +2.5 -2.5 ऐसा कुछ वर्डिंग बोलता है वो, अगर उसने वो वर्डिंग बोला हुआ है कि आपकी आँखें कमज़ोर हैं और आपको -1.25 का लेंस लगेगा, तो आपको किस लेंस की सलाह दे रहा है वो, कॉनकेव की कॉनवेक्स की भी, पावर है ये, डायप्टर लिखा था, डी लिखा था साथ में भी, ओके। ये पावर नेगेटिव कब हो सकती है, जो फोकल लेंथ नेगेटिव हो, और फोकल लेंथ किस लेंस में नेगेटिव होती है, कॉनकेव में होती है, कॉनकेव फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, इस तरह आगे यूज करते हैं फोकल लेंथ को, तो आपको किस किस सलाह दे रहा है वो, कि कॉनकेव लेंस लगा दीजिए अभी। एक्चुअली में आपको कौन सी डिजीज है उस टाइम, मायोपिया है, ठीक है, बताएंगे उसको भी आगे, हो जाएगा भी। अगर बोलते फोकल लेंथ प्लस की हो भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस की सलाह दे रहा आपको। और ये जो 1.25 बोला ना, ये पावर बोल दीजिए, इतना पावर का लेंस लगेगा। अब कंपनी के अगर इस लेंस की पावर, इतने पावर के लेंस को बनाएगी भी, कौन से लेंस को बनाएगी, कॉनकेव को बनाएगी, यस और नो, तो यहाँ पर रखेगी फार्मूले में कितना आंसर होना चाहिए, 1.25 हो जाएगा। अब उनकी डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ किया, ग्लास है, फाइबर है, जो भी यूज़ कर रहे हो आप लोग, ग्लास का 1.5 होता है, तो 1.5 माइनस 1 0.5। अब इनका आंसर ऐसा होना चाहिए कि जो गुणा करके आंसर कितना आना चाहिए, तो हम चेक करते हैं रेडियस, कटिंग कैसे करें उस लेंस की भी, किस आर्क में कटिंग किया जाए, किस रेडियस में कटिंग की जाए उसकी भी, क्योंकि हमने शीट बना ली है, कंप्लीट शीट बना रख रखी है, अब उसको कटिंग करना होता है इन शेप कॉनकेव और कॉनवेक्स के अंदर, कितना है, किस फेस का रेडियस कितना, किस फेस का रेडियस कितना भी, उस हिसाब से भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर लोगे। अगर आपको एडवाइस देता हो कि आपको प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगेगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस लगेगा, एडवाइस दे दे माई सेंस, कोई डिजीज हो जाए आँख में, समझ में आता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक एक साइड वाला क्या होना चाहिए, प्लेन, तो उसमें एक R1 R2 में से एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए भी, क्योंकि
प्लेन इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस भी, तो एक वैल्यू क्या होगी? इस तरह क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में भी। एक लेंस दिया जाएगा जिसका एक पार्ट क्या है, प्लेन कर दिया गया है, तो पक्की बात उसका एक आर वन आर टू में से एक चीज क्या हो जाएगी, उसकी इन्फिनिटी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेंस है उसके हाफ को ब्लैक कर दिया जाए तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। लेंस अब पहन रखा उसको हाफ कर दूं मैं, ब्लैक कर दूं हाफ को, क्या इमेज दिखाई देगी? हाफ फुल इमेज दिखाई देगी भी? यस और नो? सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्राइटनेस बोलते हैं, ब्राइटनेस ऑफ इमेज भी, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम तरीके से लेंस काम करेगा भी। हो जाएगा? कर पाओगे? कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। अब कितने तरह की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भाई क्लास, लेंसेज के अंदर भी कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, था और तुम दो ही पड़ा हुआ है, लाइट बढ़ जाएगी दो भागों में, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला भी। कर लोगे? दो ही तरह पॉसिबिलिटी है क्लास, या तो लेंस लाइक हो या लेंस के अनलाइक्स हो, दो ही है लेंस मेरे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी। अब दो, या तो दो कॉनकेव लगा लूँ या दो कॉन्वेक्स लगा लूँ, या एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स लगा लूँ भाई, ये पॉसिबिलिटी है, या तीन चार लगा लूँ तो भी पॉसिबिलिटी वही है, तो डिपेंड हो जाएंगे ना। तो सारे कैसे लगा लूँ? एक पॉसिबिलिटी यही है, या डिफरेंट लगा लूँ, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो लाइक्स और क्या हैं? अनलाइक लेंसेज में पॉसिबिलिटीज हैं बस। तो पहला पॉइंट लीजिएगा फॉर लाइक लेंसेज, लाइक लिखूँ क्या? फर्स्ट लाइक अच्छा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लिखें? सिमिलर लेंस, सिमिलर लेंस क्या होता है? सिमिलर स्पेलिंग एम आई, सिमिलर लेंस भी। यस भी, पहला पॉइंट है फॉर सिमिलर लेंसेज भी। मान लेते मैं कॉन्वेक्स यूज कर रहा हूँ भी, कॉन्वेक्स दो लेंस यूज किए मैंने भी, और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रख दिया उनको भी, बिल्कुल नज़दीक में टच किए हुए आपस में, फिर इसमें केस करेंगे कि दूर हो तो क्या फर्क पड़ेगा? इस पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, आई आई टीज में, नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्टेंस बढ़ा दूँ, चार गुना कर दूँ तो मैग्निफिकेशन से पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कर लोगे? यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज फॉर्म में भी, अगर इनकी डिस्टेंस को 4% इंक्रीज कर दिया जाए तो पावर में इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए, ऐसा कुछ पॉइंट बनाते हो, कुछ नहीं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे भी, ये बेसिक करवा रहे हैं बिल्कुल। दो लेंस है क्लास, लेंस L1 और L2 लाइक लेंसेज हैं या सिमिलर लेंसेज हैं? यस और नो? इनको बिल्कुल साथ में रखा गया है, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट मैंने भी, इमेज बनानी है इसकी मेरे को, कौन से लेंस है दोनों? कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहा हूँ, यस और नो? तो यहाँ से एक बीम जाएगी भी, जिस लेंस से पास करेगी पहले लेंस से, तो पहले लेंस क्या करेगा? इसको कन्वर्ज करेगा, यस और नो? एक बीम इनके सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, उसी निकल जाएगी भाई, उसमें दिक्कत ही नहीं है। कर लोगे? अब इससे क्या होगा, बीम्स कन्वर्ज करेगी और इस लेंस के पास आएगी, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इमेजिन करो मेरे पास L2 लेंस नहीं है अभी, तो क्या होगा? ये आगे जाएगी और यहाँ पे इमेज बनाएगी, इट इज आई टेस्ट, सही है कि नहीं है? इसके इमेज का बनेगी आईडेस, इसका काम खत्म हो गया अभी, ओके। अब इस लेंस के लिए आईडेस इमेज बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट, ये बात समझ में आती है आप लोगों को? इस लेंस को ये दिखाई दे रहा अभी, इसको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है, हो जाएगा? अरे ये चीज़ है 100% है अभी, मैं बार बार बोलता हूँ लेंस को सामने रखिएगा, अपना हाथ दिखेगा आपको, अपना हाथ ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं आपको, सर क्या दिखेगी? इमेज दिखाई देगी आपको, अपना हाथ, आपके हाथ को बड़ा साइज दिखाई देगा आपका हाथ का भी, वो आपका हाथ थोड़ी है, वो तो क्या है, इमेज है अभी। क्या आपको अपना हाथ खुला दिखाई दिया लेंसेज में? नहीं दिखाई दिया भाई, ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं। कर लोगे? अब इसके लिए तो ऑब्जेक्ट दिखाई दिया इसको, यहाँ पे तो मैन ऑब्जेक्ट तो यही है मेरा, इसको क्या दिखाई दे रहा है? इसके द्वारा बनाई गई एक इमेजिनरी इमेज दिख रही है, इमेजिनरी बोल रहा हूँ इसको मैं, बन नहीं रही है। कर लोगे? देखो सीधी सी बात, ये यहाँ तक बीम आ चुकी है, अब ये फिर क्या करेगा? इसको कन्वर्ज करेगा, क्योंकि दोनों एक कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखते हैं अभी। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे आके बनेगी, सही है? इनका ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? ऐसे तो
हम इसे मापते हैं, इसी से मापते हैं, लेकिन बीच का सी ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का v डैश ले लेते हैं। लिख लीजिए, लिखिए लेंस L1, ऐसे लिखो वी हैव टू कॉन्वेक्स लेंस, वी हैव टू कॉन्वेक्स लेंस L1 एंड L2, वी हैव टू कॉन्वेक्स लेंस L1 एंड L2। ओके, लिखिए कंसीडर, वी कंसीडर वी डू नॉट हैव L2, भाई मानना पड़ेगा पहले तो, कंसीडर वी डू नॉट हैव L2, L2 नहीं है भी, देन इमेज I डैश इज फॉर्म्ड भी, इमेज I डैश इज फॉर्म्ड। बड़ा सिंपल टॉपिक है भाई क्लास, कोई नहीं घुमाना फिराना कुछ नहीं इस टॉपिक में भी। इमेज I डैश इज फॉर्म्ड, इसके लिए इमेज कौन सी है, I डैश है भाई, तो इसके लिए क्या आप लेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, और तो दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग हो भाई, मान भी लेते हैं, लिख लीजिए लेट F1 एंड F2, F1 एंड F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज भी, बराबर ही हो सकती हैं, हम तो गलत मान रहे हैं, उल्टा बराबर नहीं है तो क्या होगा, F1 एंड F2 आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज भी। ओके, तो पहले लेंस के हिसाब से भी व्हाट वन बाई F1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, वन बाई वी, तो वी डैश ले लें, इसकी इमेज तो वी डैश बन रही है, माइनस वन बाई यू, इट इज लेंस फार्मूला, फर्स्ट का हो गया, हो जाएगा। आगे लिखिए बट वी हैव लेंस L2, पहले मानते नहीं है फिर मानते हैं, एक्चुअल तो है भाई, बट वी हैव लेंस L2 एंड इमेज I डैश बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट भी, इमेज I डैश बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर L2, देन इमेज I इज फॉर्म्ड भी, देन इमेज I इज फॉर्म्ड, इमेज I बनेगी इससे भी, कर लोगे, तो इस लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होगा भी, लिख लीजिए 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई V डैश, V डैश ऊपर लिखूं, ऊपर था ना, ऐसे कर लोगे, इक्वेशन सेकेंड भी, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, लिखिए एडिंग वन एंड टू भी, एडिंग वन एंड टू, सिंपल, वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू इज इक्वल टू वन बाई वी डैश माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी माइनस वन बाई वी डैश, क्या मैंने ऐसे लिखा है, वन बाई वी डैश वन बाई वी डैश काट दूं, तो मेरा फार्मूला क्या बन रहा है, वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, यस और नो, ये भी लेंस का फार्मूला बन गया कॉम्बिनेशन का, तो इसकी फोकल लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी कॉम्बिनेशन के बाद भी, यस और नो, इसको वन बाई एफ ले लेते हैं नेट फोकल लेंथ आफ्टर कॉम्बिनेशन, और आपको पता है वन बाई एफ वन बाई एफ वन बाई एफ पावर होते हैं, यस और नो, व्हाट इज द नेट पावर ऑफ द लेंस, पी इज इक्वल टू, इट इज सिंपल पी वन प्लस पी टू भी, पावर एड हो गई भी, पी वन प्लस ए पी टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी, कर लोगे, अगर दोनों लेंस कॉनकेव हो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, हैं इमेज बना सकते हो, इस तरफ आएंगे सारी, इस तरफ आएगा आई डैश, सॉरी क्या था वी डैश, और इस तरफ क्या आएगा, वी भी आएगा, इमेज भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फर्क क्या रहेगा, उसका बैलेंस फार्मूला वही होता है कॉस फर्क नहीं रहने वाला, यही होता भाई, यस और नो, हाँ अगर आप बताते हो कि मैं साइन कन्वेंशन यूज करूँ इसके अंदर भी, कर लो भाई, दिक्कत क्या, सारे नेगेटिव आएंगे, इसके भी नेगेटिव, इसके नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव, माइनस काट दो सारे के, आंसर से माने वाला है, कर लोगे, चाहे कॉनके हो चाहे कॉनवेक्स हो पावर एड होंगे भाई, अगर सिमिलर होंगे तो, ओके, दो कॉनके यूज करोगे तब भी पावर एड होंगे, दो कॉनवेक्स यूज करोगे तब भी पावर एड होंगे भाई, बस अब प्रॉब्लम है
अगर एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स हो, फर्क क्या पड़ेगा भाई? आप तो बोल रहे उसमें भी फार्मूला सेम ही होता है, यस और नो? लेकिन साइन कन्वेंशन बदल जाती है उसकी उसी टाइम भी, एक में फोकल लेंथ प्लस का, एक में फोकल लेंथ माइनस का भी, तो पक्का इन पावर माइनस का आंसर आएगा एक ने एक किसी का भी, यस और नो? लिख लीजिए फोर, क्या लिखें, डिफरेंट लेंसेज भी, सेकेंड पॉइंट है फोर डिफरेंट लेंसेज, करवाऊंगा नहीं मैं, लिख सकता हूँ वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन माइनस वन बाई एफ टू, एक तो माइनस होगा अभी पक्की बात, अभी किसी को मान लो तुम लोग, चॉइस तुम्हारी है अभी, कर लोगे, दो फोकल लेंथ आ रही हैं, एक की प्लस की एक किसकी माइनस की जोड़ोगे, एक पक्का माइनस आना है उनमें से एक को, यस आर नो? तो पावर क्या होगा, घटके आएंगे भी, और तुम्हारे बाई वाले इसको यूज़ करते हैं इस फैक्टर को भी, तुम्हारे यहाँ सब चक्र चलाई जाती हैं। अब जब मैं आपको आई कराऊंगा ना, आई एज ए ऑप्टिकल डिवाइस की तरह कराऊंगा, समझ जाओगे बायो से बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअल में, इतना ही करो। अब ये क्वेश्चन कर लेंगे इसमें भी, अगर लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस हो तो क्या होगा भाई, हाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, देख लीजिए एक स्पेशल केस बनाएगा इसका भी, इसको मैं प्रूव नहीं करूँगा भाई, प्रूव बुक में है नहीं, बीएससी में आता है, मैं भी नहीं करूँगा। देख लीजिए क्लास, लिखिए लेट डी इज द, लेट डी इज द, इन्होंने स्पेशल रेड लाइन में लिखा हुआ है इन पॉइंटों को, बुक में है नहीं भाई, लिखिए लेट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज भी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज भी, तो क्या आंसर होगा पावर का भी, पावर इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन, कोई चेंज नहीं होला, वन बाई एफ टू कोई नहीं होला, माइनस डी बाई एफ वन इंटू एफ टू, इतना ही फर्क पड़ेगा भाई, इसमें वो भी नहीं है, फिर बताओ अनलाइक होगा तो क्या होगा, कोई एक तो नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना डीप नहीं घुसेगा तुम्हारे टॉपिक्स में वो, फिर भी आ जाए तो कर पाओगे, कर लोगे ना, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, इससे हम क्या निकालते हैं, फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप निकालते हैं, डिस्टेंस होता है कॉम्बिनेशन के अंदर, कर लोगे, ये था अभी आपका लेंसेज क्या होते हैं,